मामा की तबीयत ठीक होने लगी तो फिर सबने हमसे पूछा कि अब कब चल सकते हैं, तो हमें रियलाइज हुआ कुछ तो हॉर्मोन्स बिगड़ गए। अब आपको पता है कि अगर डेट आगे पीछे हो जाती है तो ये तो आप नहीं पता लगा सकते कि कब क्या हो सकता है। तो हमने सोचा कि जब हम वहां पहुंच गए तो भी हो सकता है, कोई इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बहुत दिन तो हमने नहीं बोला, फिर सनी से डिस्कस किया, फिर अम्मा को बताया, तो काफी लोग हर एक से, हम तो देखो हमारे दिल में जो होता है हम वो सारी चीजें सबको बता देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ ये बीमारी है या ऐसा, सबके साथ होती है, शेयर करना चाहिए, लोगों को हिम्मत मिलती है और हर चीज ठीक हो जाती है। सबको लग रहा है अच्छा खुशखबरी तो नहीं है, हर एक इंसान बेटी खाला भी टेस्ट कर लो, अम्मा भी बोल रही है बेटा हो सकता है ऐसा हो। हमने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हॉर्मोन्स बिगड़ गए हैं क्योंकि अंदर से बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, बहुत सारा स्ट्रेस और हर बात पे सिर्फ रोना रोना रोना। हमें बहुत ज्यादा इस चीज का स्ट्रेस था कि हमारे वजह से सनी के अम्मा पापा जो है वो उम्रा पे नहीं जा पा रहे हैं, अल्लाह हमें नहीं बुला रहा है, बहुत सारी चीजें मन में गिल्ट हो रहा था। घर में हम लोगों ने बात कर ली कि लगता है कि अल्लाह ने अभी हमें नहीं बुलाया है। एक तरफ सारे लोग मुबारक दे रहे हैं, हर एक इंसान मिल रहा है, और एक तरफ मन में गिल्ट चल रहा है, टेंशन चल रही है कि हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। और क्या रीजन है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है? अच्छा तबीयत भी कैसी ठीक नहीं है कुछ पता भी नहीं है। आधे लोगों को तो यही होप है कि हो सकता है खुशखबरी हो, खुशखबरी हो, सबको कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, कोई कह रहा है उल्टी ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है क्या। हमने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको पहले साल भर पहले ऐसे 2 साल पहले जब बहुत ज्यादा वेट था तब PCOS के सिम्टम्स रह चुके हैं, फिर हर चीज रेगुलर थी, हर चीज कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी भी सबको लग रहा था कि 15 डेज ऊपर हो चुके हैं, हो सकता है डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अभी मैं आपको ये सारी चीजें हंस हंस के बता रही हूँ, लेकिन वो टाइम पे ना बहुत ज्यादा प्रेशर था, मतलब ऐसे घर वालों का नहीं था, सबने एक बार में पापा ने कह दिया था कोई बात नहीं बाद में इंशाल्लाह चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।